हेलो दोस्तों, कैसे हो आज सब। उम्मीद करती हूँ आज सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। तो मेरी प्यारी YouTube फैमिली कैसी हैं? और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, आप सबको बारिश की आवाज़ भी आ रही होगी। और आप सब लोग किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ का मौसम का क्या हाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल पे बने रहिए। और जिस जो भी आपको किसी नए प्रोडक्ट का रिव्यू चाहती हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। तो आज प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है पतंजलि का केश कांति हेयर शैम्पू। तो चलिए शुरू करती हूँ इस प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो। तो दे सकते हैं कुछ इस तरह का, ये छोटे छोटे से स्मॉल से ये सैशे पाउच हैं और यहाँ पे पतंजलि का लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसमें दिया है येलो लेबल पे 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसी सैशे के अंदर। और कुछ ब्राउन व्हाइट सी इसकी ये रैपर इसकी पैकेजिंग है, जहाँ पे दिया गया है लोगो पतंजलि का केश कांति नेचुरल हेयर क्लींजर। और मैं बता दूं कि इसमें 12 हर्ब्स पड़ी हुई हैं, यानी ये नेचुरल हर्बल शैम्पू है। चलिए देखते हैं कि इस शैम्पू का क्या काम है। इसमें दिया गया है जो आपके बालों का टूटना, झड़ना व जो आपके बालों में रूखापन हो जाता है, ड्राइनेस डैंड्रफ हो जाती है, उसको दूर करता है। तो दोस्तों, मैं अपना जो इस पतंजलि के केश कांति नेचुरल हेयर क्लींजर का एक्सपीरियंस है तो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज ही मैंने इससे अपने जो हेयर हैं वो वॉश किए, तो मेरे बाल काफी फ्रीजी से थे, काफी उलझे से थे। तो इसको यूज करने के बाद मुझे मेरे बाल काफी स्मूथ, काफी सॉफ्ट लगने लगे और आसानी से सारे बाल बिल्कुल एक एक करके सुलझ गए। तो ये शैम्पू मुझे काफी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग पे आंवला जितनी भी हर्ब्स होती हैं सारी पड़ी हुई हैं। और ये जो सैशे पाउच में आते हैं तो 1 रुपीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, दे सकते हैं। बाकी जो इसकी अदर बेसिक डिटेल्स हैं वो इसके बैक साइड पर लिखी हुई है। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं तो वो सभी आप इसके जो बेसिक डिटेल्स हैं इसके बैक साइड पर आसानी से देख सकते हैं। और बहुत छोटा छोटा दिया गया है, मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे तो आपको समझ में और पढ़ाई में आ जाएगा। मेरे पास अभी मैग्नीफाइंग ग्लास है लेकिन अभी मिल नहीं रहा है तो मैं इसलिए पढ़ के नहीं बता सकती हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी MRP, इसमें इंग्रेडिएंट्स की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। तो इस तरीके जो सैशे पाउचेस होते हैं ये आप ट्रेवलिंग पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, काफी आसानी होती है इन्हें कैरी करने में। और पर्सनली भी इसे डेली रेगुलर भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे रहते हैं ये छोटे छोटे शैम्पू के जो पाउचेस होते हैं। आसानी से निकाला, धोया और हो गया, वेस्ट भी नहीं जाता। जितनी क्वांटिटी, जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आपको चाहिए होता है तो ये उतनी ही रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आ जाता है, जरा भी वेस्ट नहीं होता है। तो मैं पर्सनली ये जो ऐसे पाउचेस होते हैं इन्हें लेना प्रेफर करती हूँ। और दोस्तों, इसका जो टेक्सचर है और इसका जो टेक्सचर है, कलर है, कलर इसका ब्राउन कलर का है और जिसका टेक्सचर है क्रीमी जैसा इसका टेक्सचर है, बहुत सॉफ्ट स्मूथ सा इसकी जो फ्रेगनेंस है। तो जैसे इसकी फ्रेगनेंस आप जब इस शैम्पू को निकालेंगे अपनी हथेली पे तो इसकी जो फ्रेगनेंस है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है नेचुरल हर्बल, तो जो हर्बल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी खुशबू है। तो जब आप इसे यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेगनेंस की मैं बात करूं तो फ्रेगनेंस मुझे इसकी ठीक लगी, ना बहुत अच्छी और ना बहुत खराब, मीडियम इसकी फ्रेगनेंस है। लेकिन हाँ दोस्तों, वर्क इसका काम सच में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये क्रीमी सॉफ्ट सा टेक्सचर है इसका, रनिंग स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी है, आसानी से आपके बालों में ये लग जाता है।
स्प्रेड हो जाता है और देख सकते हैं ब्राउन, लाइट ब्राउन इसका जो कलर है। तो ये था केश कांति पतंजलि का नेचुरल हेयर क्लींजर हेयर शैम्पू का रिव्यू वीडियो जो मैंने आज आप सबके साथ शेयर किया। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब बगैर मत चाहिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए जितना हो सके और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जिन्हें मेरे वीडियो बकवास लगते हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पर मेरे वीडियोस पे किसी तरह की निगेटिविटी ना फैलाएं। खुश रहिए, आबाद रहिए, औरों को भी खुश रहने दीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।